वादा खिलाफी का आरोप लगा धरने पर बैठे अधिकारी कर्मचारी। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सड़क पर उतरे अधिकारी कर्मचारी, कामकाज हुआ प्रभावित। मुंगेली जिले में आज सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। दरअसल आज अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ धरना दे रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि 2013 के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उसमें से एक भी पूरा नहीं किया गया है। इस हड़ताल के चलते जिले में भी तहसील से लेकर नगर तक में कामकाज पर असर पड़ा। प्रमुख मांगे, 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान, लिपिकों सहित समस्त संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने, पूर्ण पेंशन को पात्रता के लिए 33 वर्ष की जगह 25 वर्ष करने। इस प्रकार नोटबंदी के बाद प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में 5 दिनों में ही लगभग 247 करोड़ रुपए जमा किए गए। फेडरेशन के माध्यम से ये आंदोलन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जितने भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं शासन के, उन्होंने इस आंदोलन में अपना हिस्सादारी और अपने पूरे कर्मचारियों के साथ इसमें भागीदारी ली है। भाजपा शासन ने जो घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे, आज हम उन्हीं वादों को उनको याद दिलाने के लिए, चूँकि ज़्यादा समय नहीं रह गया है, वो अपने वादे को पूरा करें, अन्यथा इस पे पूरे संगठन आगे जाएगा और अनिश्चितकालीन तक के लिए भी अगर नौबत आएगी तो हमारा अनिश्चितकालीन भी करेंगे और हमारे जिला के संयोजक अवधेश शुक्ला जी के मार्गदर्शन में लगातार इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सन 2013 में छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासन में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने अपनी घोषणा पत्र में कर्मचारी हितों के कुछ वायदे किए थे। छत्तीसगढ़ के पूरे कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त था कि पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारी के हितों के लेकर कोई बात कही है। लेकिन दुर्भाग्य है, सन 2013 से लेकर आज 2018 गया, अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं, उन वादों को पूरा करना तो दूर। महंगाई भत्तों की किस्तें रोक दी गई, जो भी प्रकार की घोषणाएं होती हैं, सातवें वेतनमान दिया गया वो भी आधा अधूरा है, उसके एरियर्स का भुगतान लंबित है, डीए एरियर्स लंबित है, 4 पदोन्नत वेतनमान कर्मचारियों के लंबित हैं। इन मांगों के संबंध में संगठन ने लगातार प्रयास किया कि प्रदेश स्तर पर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से 2013 से लेकर आज तक विभिन्न जगहों पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को ध्यान आकृष्ट कराया। शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देने के कारण मजबूर होकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदेश के सभी 27 मान्यता प्राप्त जो संगठन, उन्होंने फेडरेशन के माध्यम से आज अपनी मांगों को रखने के लिए एक दिवसीय प्रतीकात्मक रूप से धरना देने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। आज हम अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शाखा मुंगेली द्वारा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान वेतन विसंगति सहित कुल 10 बिंदुओं पर आज मुख्य सचिव महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। आज उनके द्वारा ये प्रतीकात्मक एक प्रतीक स्वरूप ये हड़ताल आज किया गया है, इसी के फलस्वरूप आज ये ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन टू प्रॉपर चैनल मुख्य सचिव महोदय को पहुँचा दिया गया है और अभी इनका हड़ताल जो है और इसके बाद ये समाप्त होगा। सभी चीज़ शांतिपूर्वक रहा और किसी भी प्रकार समस्त निगम मंडल के साथ साथ समस्त पेंशनरों को भी सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने व कर्मचारियों तथा पेंशनरों को केंद्रीय स्तर पर महंगाई भत्ता देने। अधिकारी कर्मचारी संघ शाखा मुंगेली द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा के 2013 में किए चुनावी घोषणा सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिले में दिन भर कामकाज प्रभावित रहा, वहीं कार्यालयों में ताले लटकते रहे और लोग इधर उधर भटकते दिखे। वहीं फेडरेशन शाखा द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम SDM मुंगेली को ज्ञापन सौंपा गया। वह मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिए जाने पर आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही। मुंगेली से निखिलेश लाल की रिपोर्ट।